कंजक्टिवाइटिस, जिसे कई लोग बोलचाल की भाषा में जॉय बांग्ला भी कहते हैं। लेकिन इस बीमारी को जॉय बांग्ला क्यों कहा जाता है? क्या आप जानते हैं कि इस बीमारी को हर कोई कंजक्टिवाइटिस की जगह जॉय बांग्ला कहते हैं? पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में कंजक्टिवाइटिस को जॉय बांग्ला कहा जाता है। यहाँ तक कि कई लोग इस बीमारी को जॉय बांग्ला के नाम से जानते हैं। लेकिन कंजक्टिवाइटिस को जॉय बांग्ला नाम देने का मामला अभी का नहीं है। इसे 1971 से जॉय बांग्ला के नाम से जाना जाता है। लेकिन अचानक इस बीमारी को जॉय बांग्ला क्यों कहा जाने लगा, तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे इसकी असली वजह। दरअसल साल 1971 था। उस वर्ष मुक्ति संग्राम के बाद से कंजक्टिवाइटिस को जॉय बांग्ला के नाम से जाना जाता था। 1971 में यह बीमारी कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल में व्यापक रूप से फैली हुई थी। यह बीमारी तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों में फैली थी। कुछ ही दिनों में यह बीमारी पूरे पश्चिम बंगाल में फैल गई। मुक्ति संग्राम के दौरान जॉय बांग्ला का नारा लोकप्रिय हुआ। दूसरी ओर उस समय शरणार्थियों को जॉय बांग्ला कहा जाता था, चूँकि यह बीमारी पहले शरणार्थियों के बीच फैल चुकी थी, जिससे कई लोगों ने कहा कि यह जॉय बांग्ला के लोगों की बीमारी है। तभी से कंजक्टिवाइटिस की बीमारी को जॉय बांग्ला के नाम से जाना जाता है। उस समय कंजक्टिवाइटिस पश्चिम बंगाल के अलावा कई अन्य राज्यों में भी फैल गया था। एशिया के विभिन्न देशों में भी यह बीमारी व्यापक रूप से फैली हुई थी।